से मांगू टूटे तारे से दुआ। अब्बा क्या है? मुझे आपसे बात करनी है। अरे बाद में कर लेना, अभी जा रहा हूँ सलमान की जमानत के लिए। अब बस सुन तो ले, इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा फटाफट बोलो, निकल। तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊं किस तरह। अब्बा देखें, अम्मी कहती हैं कि लड़कियों को ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ चाय लेके गुजर रही थी और मैंने भाई भाभी की बातें सुन ली। अबे मुझसे बहुत सुन क्या लिया? वो कह रहे थे कि देख मेरी बात से, जब तक ये मायरा और सलमान का मामला ठीक नहीं हो जाता ना, तो अम्मी को क्या किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मां नहीं बन सकते। अब भाई ये 20,000 रुपये लेना है, बाकी आप मिला लें, मैं लौटा दूंगा। चले चलते हैं अरसलान को लेने। क्या सोच रहे हैं? नहीं ना, कोई तो अच्छा काम किया तूने। अब भाई की थोड़ी बहुत फिक्र है तेरे को। हाँ क्यों नहीं होगी फिक्र, भाई है मेरा। लेकिन अबे क्या लेकिन? अब्बा आप शायद भूल रहे हैं, वो इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि उसकी जमानत नहीं होगी जब तक मायरा स्टैंप पेपर पे लिख नहीं देती है या सुलेनामे पे साइन नहीं कर देती। बड़ी बात बोली भाई तुम, मेरी कॉम है, मसला नहीं है, अच्छी तरह पहचानता हूँ। चल मेरे साथ, फिर देख तमाशा। कैसे हैं आतिर साहब? वैसे मैंने अभी अपनी बीवी को कस के थप्पड़ मारा है, आपको आवाज सुनाई दी? आपको कहां सुनाई दी होगी, आप दोनों तो अपनी आशिकी माशूकी की बातों में डूबे हुए थे। एक काम करता हूं, एक और थप्पड़ मारता हूं, इस बार जमा के मारूंगा, सुनिएगा। बताइए आवाज आई? सॉरी मायरा, मैं आपको तंग नहीं करना चाहता, वैसे भी ये मेरा लास्ट मैसेज होगा। बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो केस सलमान पे बना है, उस केस में बहुत आसानी से जमानत हो जाती है। अगर आप कुछ दिन सुकून के गुजारना चाहती हैं तो आप प्लीज जा करके उसके खिलाफ गवाही दे दें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। वो आपके करीब नहीं आ सकेगा, आपको तंग नहीं कर सकेगा, आप सुकून में आ जाएंगी। प्लीज बस यही इन्फॉर्म करना था। अल्लाह हाफिज। वही चाहती हैं जो मैं चाहता हूं। जी
जी बोलिए मारे। क्या कहूँ डॉक्टर? वही कहो ना जो हम दोनों ने मिलकर तय किया था। अम्मी मेरे साथ चलें। कहाँ बेटा? बस आप कुछ पूछे मत, चलें मेरे साथ। ठीक कहाँ मुझे बताओ तो सही। पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन? आप चलें, आ जाएं साथ। मारा, मेरी जमानत करवाने आई हो ना? वादा करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, पक्का वादा। अम्मी चले। कहने करने का वक्त आ गया। बीवी आप जो कुछ कह रही हैं सोच समझ कर कह रही हैं जी। उसे बुला के पूछूं मैं? जी। सलीम, वो लॉकअप में जो सलमान है ना उसे लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम मायरा। अस्सलाम वालेकुम मानी। ठीक है सलीम, तुम जाओ। तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ एक और शिकायत लेकर आई है। इनका कहना है कि तुम इनसे सिर्फ मारपीट ही नहीं करते थे बल्कि इन्हें डर है कि तुम इनके होने वाले बच्चे को कत्ल कर दोगे। तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है या FIR काट के 6 महीने के लिए अंदर करूं? हाँ भाई, किधर? वो अंदर। अंदर मुलाकात चल रही है, उधर खड़े हो जाओ। मुलाकात? उसकी बीवी तो नहीं आई हुई क्या? हाँ आई हुई, वहां खड़े हो जाओ। अरे जाओ।
नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी बाप अपने बच्चे को कैसे मार सकता है? क्यों, जब इस हालत में इसके साथ तुम ये कर सकते हो तो वो करना कौन सा मुश्किल? नहीं नहीं तौबा सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं मुमानी, आप बताएं ना, मैं कितना खुश होता जब मुझे बाप बनने की खबर मिली थी। घर पे तोहफे लेकर आया था बच्चे के लिए, बताएं ना सर। मुझसे नाराज है, गुस्से में, सिर्फ इसलिए सब कह रही है, वरना जानती है मैं कितना प्यार करता हूँ, कितना ख्याल रखता हूँ इसका। खुदा के लिए महाराज, मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत, यूं तमाशा तो मत बनाओ। दो मिनट, सिर्फ दो मिनट दे रहा हूं तुम लोगों को, इस मामले को यहीं सुलझा लो, वरना पक्की FIR कटेगी और ये केस कोर्ट में जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दुआ करो दोनों में सुलह हो जाए, वरना पक्की FIR कटेगी और पक्का अंदर जाएगा वो। मेरी बात, क्या मैं दो मिनट महाराज से अकेले में बात कर सकता हूँ? अम्मी कोई जरूरत नहीं है जाने की, इसको जो बोलना है आपके सामने बोलेगा। महिरा, मैंने तुम पर हाथ क्या उठाया, तुमने रिश्ते से ही हाथ उठा लिया। मियां बीवी में ऐसे थोड़ी होता है। जो कहना था मैंने इंस्पेक्टर को बोल दिया। क्या बात हुई मायरा के, इंस्पेक्टर से जो कहना था कह दिया, ऐसे थोड़ी होता है। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें बात करनी पड़ेगी, बल्कि बात खत्म करनी पड़ेगी, अपनी शिकायत वापस लेनी पड़ेगी। मानी आप समझाएं ना, ऐसे मियां बीवी में ऐसा हो जाता है, मियां बीवी में ये प्यार मार की सांप सीढ़ी तो लगी रहती है ना। मुझे कोई शौक नहीं है मार खाने का, अपना ये मार पीट वाला रिश्ता अपने पास रखो, समझ में आ रही है बात? याद है तुम्हें, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, ऐसा थप्पड़ मारा था कि मुंह घूम गया था, दिन में तारे नजर आ गए थे। मैंने इस बात का कोई इशू नहीं बनाया और मैं भागा भागा पुलिस के पास भी निकला कि मैं चाहता तो बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता था। चले आप, ऐसे एक बात है, जब जब आते हैं तुम्हें चढ़ाते हैं ना, ज्यादा ही बांस पे चढ़ जाती हो, यही बात है ना। साफ साफ बताओ इरादा क्या है, मुझे जेल में भिजवा के उसके साथ घूमना फिरना है, मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखें? तुम पागल हो, मैं तुम जैसे पागल इंसान से जीत नहीं सकती, लेकिन मैं हार भी अपनी मानूंगी। हाँ तुम मत हारो, कटवाओ FIR, दिलवाओ जेल में। इतने छोटे से जुर्म की वजह से सारी जिंदगी जेल में तो नहीं रहूंगा, एक ना एक दिन बाहर आऊंगा। उस वक्त का सोचो कि उस वक्त क्या होगा। मेरी खुदा से दुआ है कि तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात। पागल हो तुम, बीवी हो तुम मेरी, मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, और जिस खुदा से दुआ मांग रही हो उसी खुदा ने मुझे तुम पर हक दिया, और मैं इस हक से दस्तबरदार नहीं होऊंगा, कभी भी। चले अम्मी। समझाएं उसे। क्या ने बेटा, ठीक हो? आप कैसी हैं नुसरत बहन? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? तुमने शिकायत वापस ले ली ना? वो बहन देखे ना, ये घर की बातें घर में ही हो जाए तो अच्छा है, ये पुलिस के चेहरे में अच्छा लग रहा है आपको ये? मायरा प्लीज, सर हमारी जिल्लत तो नहीं कराओ।
हाँ भाई, क्या सोचा बीवी आपने, क्या अपनी दरख्वास्त वापस ले रही हैं आप? जी नहीं, चलन नहीं, आ जाइए। आओ मेरी बात सुनिए नुसरत बहन, बेटा मैडम। सलमान चल। तुम ठीक हो बेटा? पता नहीं अम्मी, तुमसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा? मुझसे बात की है पप्पू ने। क्या? यही कि मायरा से बोलो अपनी शिकायत वापस ले ले। घर के मामलात का इस तरह से पुलिस और थाने में जाना ठीक नहीं लगता। अम्मी आप मायरा से बात करें ना, अगर उसको सलमान के साथ नहीं रहना तो ठीक है, लेकिन वो इस तरह से घर के मामले को थाने तक नहीं लेकर जाए। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, खुदा हाफिज़। ये सब क्या हो रहा है अफ़तान? तुम उस चीप लड़की के साथ? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे। उसको पहली फुर्सत से इस घर से निकालो। मैंने आपकी मोहब्बत में अपना सब कुछ खो दिया। आपके दोस्त की उस हरकत की वजह से मेरी कितनी बदनामी हुई। मेरा बाप ये बात नहीं झेल सका। वो सदमा मेरे बाप को खा गया। मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब आपके सामने अफ़तान। अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा आपके लिए भी बना दूं। विशाल से बात हुई थी आज मेरी। हमारे खौफ और परेशानी के उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सिर्फ हूं, कुछ बोलोगी नहीं? अम्मी आप कहिए, मैं सुन रही हूं। मायरा जो कुछ तुम कर रही हो ना, उसका असर मिशाल की जिंदगी पर भी पड़ेगा, ये कभी सोचा तुमने? मैं अभी तक जो सलमान के साथ रुकी हूं ना अम्मी, वो मिशाल की वजह से ही रुकी हूं। मायरा वो बहन है तुम्हारी, इस सब में उसका क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर है अम्मी कि मैं दिन रात उसकी मार खाती रहूं? वो मुझे आतिर के पास भेजे पैसे लाने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता मैंने खुद आतिर को फोन कर दिया तो वो थप्पड़ मार मार के मेरा मुंह लाल कर देगा। उसको सुनाने के लिए थप्पड़ मारेगा, उसको दिखा दिखा के थप्पड़ मारेगा। वो नॉर्मल आदमी नहीं है अम्मी। मिशाल आपकी बेटी है तो मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना अम्मी। आप कैसे कह सकती हैं कि मैं इस तरह के इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारूं? तुम दोनों मुझे एक जैसी हो, पता नहीं किसके दुख में मुझे आंसू बहाने पड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर जानती हूं बेटा, किसी एक के दुख में तो जरूर बहाऊंगी आंसू। अच्छा रुको, देखो बेटा तुम जो कुछ कर रही हो ना वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से कर रही हो वो तरीका गलत है। अगर ये मामला
अदालत कचहरी में जाने की बजाय घर में ही हल हो जाता ना तो अच्छा था। तुम्हारा नाम इस तरह से आतिर के नाम के साथ मंसूब ना किया जाता। अम्मी मेरा खुदा गवाह है कि मैं तो बिल्कुल आतिर का नाम भी नहीं लेती, जिक्र भी नहीं करती। तो सलमान है जो मुझे उसके पास भेजता है कि मैं उसके साथ नौकरी करूं, पैसे कमा के लाके सलमान को दूं ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। और अगर साफ लफ्जों में बोलूं तो वो मुझे आतिर के सामने बेचता है। इतनी जिल्लत के बाद भी मैं उसके साथ रह रही थी, लेकिन अब मैं नहीं रहूंगी। अभी तक जो सलमान के साथ रुकी हूँ ना अम्मी, वो मिशाल की वजह से ही रुकी हूँ। तो मेरा क्या कसूर है अम्मी कि मैं दिन रात उसकी मार खाती रहूँ? वो मुझे आतिर के पास भेजे पैसे लाने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता मैंने खुद आतिर को फोन कर दिया तो वो थप्पड़ मार मार के मेरा मुंह लाल कर देगा। उसको सुनाने के लिए थप्पड़ मारेगा, उसको दिखा दिखा के थप्पड़ मारेगा। वो नॉर्मल आदमी नहीं है अम्मी। मिशाल आपकी बेटी है तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना अम्मी। आप कैसे कह सकती हैं कि मैं इस तरह के इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारूं? देखो बेटा, तुम जो कुछ कर रही हो ना वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से कर रही हो वो तरीका गलत है। अगर ये मामला अदालत कचहरी में जाने की बजाय घर में ही हल हो जाता ना तो अच्छा था। तुम्हारा नाम इस तरह से आतिर के नाम के साथ मंसूब ना किया जाता। अम्मी मेरा खुदा गवाह है कि मैं तो बिल्कुल आतिर का नाम भी नहीं लेती, जिक्र भी नहीं करती। तो सलमान है जो मुझे उसके पास भेजता है कि मैं उसके साथ नौकरी करूं, पैसे कमा के लाके सलमान को दूं ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। और अगर साफ लफ्जों में बोलूं तो वो मुझे आतिर के सामने बेचता है। इतनी जिल्लत के बाद भी मैं उसके साथ रह रही थी, लेकिन अब मैं नहीं रहूंगी। इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था राशिद। मेरे बेटे, तुम्हारी बीमारी और मौत के खौफ से कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारी दोनों जवान होती हुई बेटियां किसी मर्द के बगैर कैसे जिंदगी गुजारती? यही सोचकर मैंने तुम्हारी जिंदगी में दोनों के निकाह कर दिए। बिल्कुल गलत किया मैंने, बहुत गलत किया मैंने। ऊपर से दोनों को एक ही घर में देख हम सब के ताबूत में कील ठोक दिया। मदद करते मेरे रब, कोई सबील निकालते मेरे मालिक। कोई रास्ता दिखा दे मेरे मौला। मदद करते मेरे रब।
डर लग रहा है? नहीं, अजीब सा लग रहा है। अजीब क्यों? कि मैं तुम्हारी मम्मी को कायल करने आई हूँ कि वो मेरी सास बन जाए। ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। You know, I'm not that kind of person. तुम मेरे साथ खड़े हो ना? तुम इस बात का जवाब जानती हो, तुम ही आई हो ना? Everything will be fine. हेलो आंटी, मैं मॉडर्न जरूर हूं लेकिन अपनी रिवायत नहीं भूली। आपको मुझे सलाम करना चाहिए था लेकिन हेलो है तो हेलो ही सही। हेलो अम्मी, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई और आपने हेलो पर इस तरह का जवाब दे दिया। गरीब से गरीब घर की लड़की भी घर बैठकर इंतजार करती है कि लड़के वाले उसका रिश्ता लेकर आए। आप तो बहुत बड़े घर वाली ऊंचे खानदान की हो ना? आंटी, मुझे लगा था आप रस्मन बात शुरू करेंगी। कैसी हो बेटा आप, घर वाले कैसे हैं? लेकिन आप, अरे आप जानती हो ना आप यहां क्यों आई हो? मैं जानती हूं कि आप यहां क्यों आई हो, तो फिर ये फजूल रस्मी बातों में पढ़ने की क्या जरूरत है? मी प्लीज, ये हमारे घर में मेहमान है, एटलीस्ट चाय का तो पूछ लें आप पहले। चाय आ रही है, कहकर आई हूं मैं, और सिर्फ चाय नहीं पिलाऊंगी, लवाजमात भी रखूंगी, क्योंकि मेरे घर कोई भी मेहमान भले ही किसी भी इरादे से आता हो, मैं उसकी खातिर तवाज़ो में कमी नहीं करती। आंटी, आप जानती हैं ना वहां सबसे बहुत प्यार करता है और आपकी इज्जत करता है। करनी भी चाहिए, माँ हूं मैं इसकी। एक्चुअली मैंने वासे से कहा था कि वो आपको मना के घर ले, लेकिन लेकिन क्या? वो आंटी वासे ने कहा कि अकेले आपको मना नहीं पाएगा, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी है। ओह, तो आप इसकी हेल्प करने आई हुई हैं? करो हेल्प, मैं भी देखने जाऊंगी कि आप कैसे करती हो इसकी हेल्प। आंटी, आपका बेटा मुझसे शादी करना चाहता है। मासे को लग रहा था कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं यहां पर आई हूं। आप तो जानती हैं हमारे रिवाज में जो बड़ों की मर्जी से शादी की जाती है वो मोतबर समझी जाती है, इसलिए मैं आपकी रजामंदी लेने आई हूं। मैं और वासे अपनी नई जिंदगी का आगाज आपकी खुशी के बगैर नहीं करना चाहते। क्या आप अपनी खुशी से हमें इस शादी की इजाजत दे सकती हैं? नहीं, मेरी तरफ से साफ इनकार है। वासे, अपनी दोस्त को चाय पिलाकर भेजना। वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि नहीं, इट्स ऑलराइट। सो प्लीज बैठो। ओके, आप लोग अकेले क्यों आए? सलमान क्यों नहीं आया?
क्योंकि जमानत नहीं हुई उसकी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन हमसे पहले थाने पहुंच गई और उसने अपनी शिकायत वापस लेने से मना कर दिया। नुद्रत और मायरा दोनों? हाँ दोनों। और करो भाई, बहुत आला जर्क, बहुत आला खानदान है भाई, वाह। मायरा इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती है? ऐसा कौन करता है भला? रुको, मुंह छुपाकर जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ है हमारे खानदान के साथ वो तुम्हारी मां और तुम्हारी मां की वजह से हुआ है। अब ये बताओ कि हमारी जान कैसे छुड़ाओगी? मैं सब में क्या कर सकती हूं? मायरा ने तो पुलिस से ये भी कह दिया कि उसको ये डर है कि सलमान उसे जान से मार देगा, उसे और उसके बच्चे को भी। क्या हो गया मायरा को? ये घरेलू छोटे छोटे झगड़े, तू तू मैं को इतनी खतरनाक जंग क्यों बना रही है वो? अरे पुलिस वाले कह रहे थे कि 50,000 रुपए में जमानत हो जाएगी, अब वो 1,00,000 रुपए मांग रहे हैं। तो पैसे नहीं है क्या तुम लोगों के पास? दो ना पुलिस को, जमानत करवाओ मेरे बच्चे की। 1 रुपया खर्च नहीं होगा, बगैर पैसे के बाहर आ जाएगा, बशर्ते कि तुम्हारी बहन अपनी शिकायत वापस ले ले। लेकिन अरसलान तुम बेटा मुझे लेके चलो मायरा के पास, मैं खुद उससे बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। एक शख्स यहां से नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, उसकी जितनी मन्नत समाजत करो वो उतना ही सर पे चढ़ेगी। मैं कराऊंगा जमानत अपने बेटे की, मैं इंतजाम करूंगा पैसे का। और याद रखना, वो वापस आ गया ना, उसके बाद तू, तेरी माँ, तेरी बहन, उसकी माँ, सबको अदालतों में घसीटूंगा। ऐसी बातें तो नहीं करें आप शकीन, ये घर की लड़ाई है, इसको इस तरह ये जंग के रंग में ना तब्दील करें। जंग किसने बनाई? उस औरत को चाहिए था कि वो अपनी बेटी को समझाती, अकल देती उसे कि शिकायत वापस ले ले, मामला खत्म। लेकिन नहीं, उन्होंने तो महाज खोल दिया मेरे खानदान के खिलाफ, मेरे बेटों के खिलाफ। अब महाज खोला है तो जंग तो होगी ना, और खुल के होगी जंग। देख लूंगा एक एक को, देख लूंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। मिशाल, तुमने मारे से बात की? मैंने कोशिश की थी मगर उससे बात नहीं हो सकी। अगर आप बात करना चाहती ना तो नानी या मोमानी के नंबर से कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। आप यहाँ बैठ के भी हमारे घर में अपनी बहन का ही साथ दे रही हैं। तुम चुप नहीं हो सकती? करा लो भाई, चुप करा लो। अरे ऐसे चुप करा लो, ऐसे चुप करा दो, सीधा मेरे होठ। मगर छोड़ूंगा नहीं, खुदा की कसम नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मम्मी आप बैठे, बैठे।
क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रहे? क्या हो गया तुझे? वो नादर, वो चाबी ले क्या, जल्दी खोल इसे। कैसे मांगू तू?